सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने गेस्ट पेपर को जो अप्लाई न्यूट्रिशन का है, जो आप लोगों का सुबह पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का गेस्ट पेपर अपलोड करने में देर हो गई है। मुझे बहुत से मैसेजेस आए, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स की मैसेजेस की व्हाट्सअप पर, सर अपलोड करें, किसको रिस्पॉन्स दिया, किसी को नहीं दे पे, माजरत। और दूसरी बात यह है कि आपके जो मिड के जो एमसीक्यूज़ है उनका थोड़ा इशू था, वो मिड वाले एमसीक्यूज़ भी मैंने इसी गेस में अब जो है वो शामिल कर लिए हैं, ठीक है। वैसे गेस पेपर हमें बनता था 60 नंबर का, ठीक है। अब तो ये गेस पेपर बनाया तकरीबन 78 क्वेश्चन या गालबन लगभग 80 के करीब क्वेश्चन है, जिसमें मिड वाले क्वेश्चन भी मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि अप्लाइड न्यूट्रिशन जो है वो, हाँ, जो मिड था वो कम्प्लीटली पास सही था, और जितने भी बार बार रिपीट हुए हैं 3-4 साल पर, वो तकरीबन वो है ना, वो पास से ही आए। उम्मीद है कि आप लोगों का अप्लाइड न्यूट्रिशन भी पास से ही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच टू वाइटामिन रिक्वायर्ड फॉर रेपिड सेल रिप्रोडक्शन आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए विटामिन में से कौन से जो है वो रैपिड से रिप्रोडक्शन करते हैं, नीडेड लार्ज अमाउंट विटामिन, ऑप्शन ए फोलेट एंड विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी एंड राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी हमारे पास विटामिन डी एंड विटामिन ए बायोटिन एंड विटामिन ई, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फोलेट एंड विटामिन B12, ऑप्शन ए इज़ द राइट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अच्छा, जो नया है चैनल पर, सो कैंडली मिस्टर सनाउल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप जिस कॉलेज से, आप अपने कॉलेज का नाम कमेंट कर दीजिए, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह कमेंट्स किए, पता चला कि हाँ भाई कौन कौन से कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी बात, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, आप तक पहुँचना भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऑप्शन में थोड़ा उतार चढ़ाव आए मेरे ज़ुबान से, तो आप उसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए एडवांस में सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड फूड शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ, सॉलिड फूड कब से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है कि 4 से 6 मंथ्स का जब बेबी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन नेचुरली लाइक न्यूट्रिशंस फूड्स एंड ऑल द फूड ग्रुप एक्सेप्ट जूसेस डायरी वेजिटेबल या फ्रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो स्टूडेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी कुछ बच्चे पसंद नहीं करते, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आप इसको काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा, हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से किसी एक को कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, फॉर द सेक ऑफ फॉर हेल्थ सेक अ पर्सन विद अ BMI 21 माइट वांट, अगर किसी का BMI 21 है तो उसको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली उसको क्या करना चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए या लॉस करना चाहिए या उसको गेन करना चाहिए, वेट को उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उसका BMI 21 है तो वो नॉर्मल है, 18.5 से लेकर के 24.9 तक जो है BMI क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो उसका नॉर्मल, उसको काइंडली वो उसको मेंटेन करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग इंक्रीज डिजीज रिस्क, नीचे दिए गए में से कौन सा डिजीज रिस्क को इंक्रीज करता है, ऑप्शन ए है हमारे पास BMI 22 से 25, ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी, लोअर बॉडी फैट BMI 19 से 21, तो 22 से 25 भी नॉर्मल है, 19 से 21 भी नॉर्मल है, लोअर बॉडी फैट ये भी तो वैसे ही नॉर्मल है, तो सेंट्रल ओबेसिटी इज द राइट आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्जिंग बिहेवियर एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सारे एग्जाम्पल्स है पर्जिंग बिहेवियर के, लेकिन एक को छोड़ कर वो कौन सा है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, एनिमा, मसल डिस्ट्रॉफी, डायोरेटिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज द राइट, मसल डिस्ट्रॉफी सी इज द राइट ऑप्शन, हैव यू गॉट इट, ओके, शुड आई प्रोसीड अहेड, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेसफुल वेट लॉस इज डिपेंड्स ऑन, कामयाब जो वेट लॉस है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एनर्जी इनटेक एंड इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी अवॉइडिंग फैट्स एंड लिमिटिंग वाटर, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग प्रोटीन्स एंड रेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी टेकिंग सप्लीमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए इज द राइट ऑप्शन, हैव यू गॉट इट, ए रिड्यूसिंग एनर्जी इनटेक एंड इंक्रीजिंग सब फिजिकल एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ईट पार्टिकुलर फूड इज हंगर, फूड एपिटाइट, फूड क्राइंग। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे लिए, फूड क्राइंग होता है, हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, डी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर द स्ट्रेटजीज टू रिलीव हार्ट बर्न एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सारे जो है हार्ट बर्न के हैं स्ट्रेटजी, एक को छोड़ करके कौन सा, अवॉइड स्पाइसी फूड,
हाँ जी, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंटली बिल्कुल, ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मील्स नहीं, रिलैक्स एंड ईट स्लोली बिल्कुल, तो डी इज द राइट ऑप्शन, हैव यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सॉरी सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल फूड्स एक्सेप्ट, वर्चुअली होते हैं लेकिन एक्सेप्ट किस में, ब्रेड में भी होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स में भी होता है, तो मिल्क में होता है, जो डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, किस में लैक्टोज होता है, किस में फ्रक्टोज, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द फैट सेल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ ओबी जीन इज कॉल्ड, प्रोटीन की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन इनमें से आप देखें कौन सा है, तो लेप्टिन जो है वो प्रोटीन है, हैव यू डोंट गेट गॉट इट स्टूडेंट्स, लेप्टिन। 11 का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास ए इज द राइट ऑप्शन, सॉरी डियर स्टूडेंट, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि इसको अपलोड करना है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, द एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स आर कौन से हैं, फैट मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड विटामिंस। 12 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, सी इज द राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय, व्हाई, मल्टीपल फैक्टर्स, नॉट हैबिट ऑफ ब्रेकफास्ट, इन एक्टिविटी, डिफेंस जी, तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो ओबेसिटी काज करा सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा जी स्टूडेंट, जो नए आए हैं चैनल पर काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो फुल हो गया है, तकरीबन 1024 जो है वो मेंबर्स हो गए हैं। इसके अलावा जो बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन उनको मैं ऐड नहीं कर पा रहा, बाकी जो सीनियर स्टूडेंट्स थे आपको उनको रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली आप जो है लीव कर ले ग्रुप, कुछ स्टूडेंट ने लीव भी करा था, सर शाहनवाज ने भी जो है बेचारे ने जो लीव कर लिया था, हालांकि ये मुझसे सर शाहनवाज के लिए नहीं था, सर सर को बहरहाल ऐड करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अब क्या करना है। बहरहाल जो नए आए चैनल पर काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, हैव यू गॉट इट योर स्टूडेंट्स, ताकि बाकी जो सब्जेक्ट अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, एक और बात माजरत सॉरी, मिड वाले MCQs मैंने स्टूडेंट इसी में मिक्स कर लिए, वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि कल जो है अप्लाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो मिड था उसके MCQs मैंने शायद उस मिक्स नहीं किए थे, उससे पहले मिड वाले MCQs नहीं आते थे, जब आज का पेपर जो आया तो 19 MCQs जो मिड वाले रिपीट थे, ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसमें मिक्स कर लिए काइंडली, आप इसी में ही आपके MCQs छुपे हुए हैं सारे मिड के, ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सारा पास्ट में था। अ रियलिस्टिक गोल ऑफ आर वेट लॉस इज टू रिड्यूस बॉडी वेट down to the weight a person was at age of 25 down to the ideal weight in the weight for 10% is the right option, ठीक है जो students, by 10% over 6 months, C is the right option of the question number 14, sorry, what is about question number 15, plaque in the arteries contribute to development, किस लिए प्लेग बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस आप आकर के पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये जो आपकी वेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर फेट का जमा हो जाना एथेरोस्क्लेरोसिस, आप इसको पढ़ेंगे आकर के, कहाँ पर आप पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी आने ही वाले हैं। 15 सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो 17 डायरेक्ट लिखा हुआ है, माजरत के साथ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, 8 वीक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियो, हैव यू गॉट इट गाइस, एम्ब्रियो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, फूड दैट आर लो इन न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी सच एज चिप्स एंड कोला आर कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, एडिक्वेट कैलोरी, मॉडरेट कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज, लो डेंसिटी कैलोरीज, तो 18 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, सी इज द राइट ऑप्शन, हैव यू गॉट इट, एम्प्टी कैलोरीज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, अ ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्यों उसको पीना चाहिए, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्रोड्यूस मोर मिल्क, डायल्यूट न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन, सप्रेस लैक्टेशन, इसलिए ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है, किस लिए, ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, तो प्रिवेंटिंग फॉर डिहाइड्रेशन, प्रिवेंशन फॉर डिहाइड्रेशन। 20 क्या करें, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरीज, 4 कैलोरीज, यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच, 4 कैलोरीज, 20 का राइट ऑप्शन बी। 21 क्या कह रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन व्हाट दे कंटेन, ऑक्सीजन, सेरील, फाइबर, फेट, 21 सी इज द राइट ऑप्शन, फाइबर, दे कंटेन फाइबर, हैव यू गॉट इट गाइज, शुड आई प्रोसीड अहेड, ओके। 23 व्हाट इज अबाउट 23, अ पर्सन वॉचिंग टेलीविजन आफ्टर डिनर रीचेस फॉर अ स्नैक ड्यूरिंग कमर्शियल इन रिस्पॉन्स टू हंगर सिग्नल, एक्सटर्नल क्यू, स्ट्रेस अराउजल, सेटिस्फैक्टरी फैक्टर, तो क्या है
एक्सटर्नल क्वाय इज द राइट आंसर, बी बी 23 का राइट ऑप्शन गाइज, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके 25 इज अबाउट फिजिकली इनएक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड इनएक्टिवनेस, वार्म, कूल डाउन, सेडेंटरी। 25 का क्या है ऑप्शन? 25 का ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स डी, क्योंकि 24 जो है वो मिस है हमसे, सेडेंटरी। ठीक है, उसके बाद फिजिकली इनएक्टिविटीज का, हाँ सेडेंटरी लाइफ होगा जो कि क्या कास करा सकता है, ओबेसिटी। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी, सबको पता होगा विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 27 क्या कह रहा है? फिजियोलॉजिकल डिजायर्स टू ईट द अकंपनी द साइट स्मेल आर थॉट ऑफ फूड इज नोन एज हंगर, सेटिएशन, सेटिटी, एपिटाइट। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? डी इज द राइट ऑप्शन, क्या? एपिटाइट। 28 द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीएमआर इज, कौन सा इन्फ्लुएंस फैक्टर बीएमआर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है? फिजिकल एक्टिविटी, जेंडर, बॉडी कंपोजिशन, फूड इनटेक। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, बॉडी कंपोजिशन इन्फ्लुएंस बीएमआर। 29 प्रीमिल सब्सटेंस कंटेनिंग मोस्टली सीरम विद एंटीबॉडीज विद वाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, क्या कहते हैं इसको? कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जब बेबी की बर्थ होती है तो उसके बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है ब्रीज से, तो उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। हैव यू गॉट इट? 30 अच्छा, एंटीबॉडी की अगर बात करें कि भाई कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ए। अच्छा, उसके बाद 30 बोथ द ह्यूमन बॉडी एंड मेनी फूड्स आर कंपोज्ड मोस्टली ऑन प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर। वाटर से बना होता है हर चीज़। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वाटर इज द राइट ऑप्शन। 30 का क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन, वाटर। टू प्रिवेंट फ्रॉम चोकिंग द पर्सन शुड वट ही और शी शुड टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, ईट फाइबर डाइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फूड, डोंट टॉक आर लाफ विद फूड। एग्जैक्टली, ये चीज़ अगर करेगा तो वो क्या होगा? उसको चोकिंग नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने आजमाया होगा खाना खाते दौरान जब बात करता है कोई, उसको अचानक उसको चोकिंग होती है। ठीक है जैसे स्टूडेंट्स, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है। 31 का ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स? डी। उसके बाद क्या है? 32 मिस्टेक था उसमें हुआ है शायद प्रिंटिंग में। 33 द हेल्दी डाइट प्लान इज डेवलप टू रिड्यूस यूरोलिथियासिस, लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो 33 का ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स? सी इज द राइट ऑप्शन, हाइपरटेंशन। 34 When person's weight or body composition is at a fixed point is known as, क्या कह रहा है भाई? When person's weight or body composition at a fixed point is known as adaptation, adjust, set point theory, maintain। 34 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट? सेट पॉइंट थ्योरी। 35 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट हाइपर टेंशन, कौन सा? डायबिटिक्स, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटिंग, पुरगेटिव्स। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? बी इज द राइट ऑप्शन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल में आता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इस तरह से मिसाल ले सकते हैं कि भाई उसको जो है बढ़ेगा गोश्त नहीं खाना चाहिए, ठीक है, सोडियम से परहेज करना चाहिए। तो इसकी लाइफ स्टाइल में आ गया तो क्या हो गया फिर उसकी जो है फार्माकोलॉजी, नॉन फार्माकोलॉजिकल। उसके बाद 36 मेक श्योर दैट द चाइल्ड सिट्स एंड ईट्स स्लोली इज प्रिवेंशन फ्रॉम रेगुलेशन, डेंटल कैरीज, चोकिंग, वॉमिटिंग। चोकिंग इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 36 सी, चोकिंग इज द राइट ऑप्शन। 37 क्या कह रहा है? द स्पंजी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड न्यूट्रिएंट्स वास प्रोडक्ट्स टू द मदर इज कॉल्ड एम्ब्रियो, एमनियोटिक से एक यूटीरस, प्लेसेंटा। 37 का राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स? डी इज द राइट ऑप्शन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऐसा ही न्यूट्रिशन की जो है तो वो डिलीवरी होती है मदर से बेबी की थ्रू। 38 द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ लो प्यूरिन डाइट टू रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन द यूरिन, ऑप्शन ए ऑक्सैलेट स्टोन, ऑप्शन बी कैल्शियम स्टोन, ऑप्शन सी सिस्टीन स्टोन, ऑप्शन डी यूरिक एसिड स्टोन। 38 का राइट ऑप्शन क्या है? डी इज द राइट ऑप्शन, यूरिक एसिड स्टोन। विदाउट विटामिन के व्हाट शुड हैपन?
स्किन रैशेज डेवलप, मसल्स एट्रोफी, ब्लड फेल्स टू क्लोट। एग्जैक्टली, विटामिन के अलावा ब्लड फेल्स टू क्लोट। 40, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर मदर शुड इंक्रीज हाउ मच कैलोरीज पर डे। तो तकरीबन कितना है वो 350 कैलोरीज पर डे। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जो स्टूडेंट 350। 41, विच अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो उसको क्या कहते हैं, प्री डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज मिलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज। 41 का राइट ऑप्शन इसका है डी, गेस्टेशनल डायबिटीज। 42, बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, डाइटरी हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी एंड अल्कोहल कंसप्शन दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज आर नोन एज रिस्क फैक्टर, क्रोनिक डिजीज, प्रिवेंटिव एजेंट्स, डिजीज प्रिस्क्रिप्शन। तो 42 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ए इज द राइट ऑप्शन। हैव यू गॉट इट, व्हाट ए रिस्क फैक्टर। 43, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इज कॉल्ड डिस्फेगिया, ठीक है डिस्फेगिया, इसको आप आकर के AHN में भी पढ़ेंगे। अच्छा 44, द वाइटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज वाइटामिन B12, फोलेट, राइबोफ्लेविन या नासिन। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट ऑप्शन, फोलेट, ठीक है। 45, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट टेक सप्लीमेंट ऑफ आयरन, वाइटामिन सी, फोलेट, वाइटामिन ए, विच टाइप ऑफ। 45 का राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, वाइटामिन ए, शी शुड नॉट टेक वाइटामिन ए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंट वुमेन, सॉरी। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पुर्जिंग बिहेवियर एक्सेप्ट मसल डिस्ट्रोफी, एनिमा, डायरॉइड सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो क्या है 46 का राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, ए इज द राइट ऑप्शन, मसल डिस्ट्रोफी। 47, 8 weeks ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 47 सी एम्ब्रियो। उसके बाद 48, फूड दैट आर लो इन न्यूट्रिशन डेंसिटी सच एज चिप्स एंड कोला आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी कैलोरी, ठीक है क्या कहेंगे उसको, एम्प्टी कैलोरी, सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 50, द कंपोजिशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर प्रोटीन इन द यूरिन एंड एडिमा सिग्नल्स, क्या कहेगा भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर प्रोटीन इन द यूरिन एंड एडिमा सिग्नल्स, जॉन्डिस, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लेम्प्सिया। 50 का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, डी इज द राइट ऑप्शन, 50 का डी इज द राइट ऑप्शन। 51, When people eat the food typical of their families or geographic region, their choices are influenced by personal preference, ethic, heritage, international habit and culture. तो इसका डियर स्टूडेंट्स क्या है 51 का राइट ऑप्शन, 51 का राइट ऑप्शन बी, बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसका डी भी इसका राइट ऑप्शन है, लेकिन अभी इस BCQ के हिसाब से क्या राइट ऑप्शन होगा, कल्चर, ठीक है ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कल्चर इज द राइट ऑप्शन डी। 51, हैव यू गॉट इट, शुड आई प्रोसीड अहेड, ओके। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फाइबर लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हेल्प टू प्रिवेंट अपेंडिसाइटिस, फोस्टर वेट कंट्रोल, काज इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टेंशन। तो 52 का राइट ऑप्शन व्हाट होगा, क्या होगा, बी, बी इज द राइट, हेल्प टू प्रिवेंट अपेंडिसाइटिस। 53 का ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है हाइट वेट जो है वो नापता है। All are benefits of breast feeding except what? Improving cognitive development, prevent against food allergies, post, हाँ जी ये रहा, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बी इज द राइट ऑप्शन। 54 का क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्या है 55, द फूड एंड beverages a person eat or drink is called diet, ठीक है क्या कहेंगे उसको, डाइट ही कहेंगे ना, जो
कोई लेगा कोई चीज़ खाना खाएगा या कोई पिएगा जिस डाइट ही होगा वो। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज यूज वेन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग अ कंडीशन इन इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन इमोबाइल क्रिटिकल इल नथिंग पर ओरल रिकॉम्बिनेंट। तो कह रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन कब दी जाएगी पेशेंट को, एंट्रल मीन्स थ्रू जो है वो आप ओरल लें, पेरेंटल आप किसी वेन के थ्रू दिए उसको, तो वो जब क्या होगा एक्सपीरियंस कंडीशन डिसफंक्शन इमोबाइल या फुल ज़्यादा वो क्रिटिकल इल होगा, जैसे ही ज़्यादा वो क्रिटिकल इल होगा उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। 56 का राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स सी। 57 टर्म दैट कॉल्ड फॉर रिप्रोडक्शन इज फर्टिलिटी, एग्जैक्टली क्या है फर्टिलिटी इज द राइट ऑप्शन 57 का डी। अच्छा 58 कॉमन साइट यूज्ड फॉर इन्फेंट ट्यूब फीडिंग इज ओरोगैस्ट्रिक प्लेसमेंट, ठीक है जी स्टूडेंट ओरोगैस्ट्रिक प्लेसमेंट। 59 इज अबाउट इन विच टाइप ऑफ स्टोन पेशेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन लो प्यूरिन, यूरिक एसिड स्टोन में क्या होगा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन प्यूरिन डाइट। 59 डी गुड स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फीडिंग एस्पायरेशन इज चेक ट्यूब फीड बिफोर फीडिंग इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी स्टूडेंट्स ये इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 60 यही इसका अप्रोप्रिएट है, कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा, ठीक है आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज ऑब्वियसली व्हाट एस्कॉर्बिक एसिड, 61 का बी। 63 विदाउट विटामिन के व्हाट थिंग हैपन ब्लड फ्लोस टू क्लॉथ। 64 व्हेन एन इन्फेंट बोर्न विद 5 to 2 pounds का मतलब क्या है कि भाई उसका वेट लो है कम है, ठीक है लो बर्थ वेट। 65 द कम्बिनेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एल्ब्यूमिन इन यूरिन एंड एडिमा इज कंडीशन ऑफ जाउंडिस प्रीएक्लेम्पशिया, एग्जैक्टली प्रीएक्लेम्पशिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। 65 का ऑप्शन क्या है प्रीएक्लेम्पशिया में क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एल्ब्यूमिन यूरिन होता है, ठीक है इवन उसको क्या होता है कि इट कुड बी के उसकी क्रिएटिनिन जो लेवल है यूरिन की किडनीज की बढ़ गई होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 66 द ओबेसिटी थ्योरी दैट सजेस्ट दैट द बॉडी चूज टू बी एज एट अ स्पेसिफिक डिजायर्ड वेट इज द एंजाइम थ्योरी सेट पॉइंट थ्योरी फैट सेल नंबर थ्योरी एक्सटर्नल क्यूआई थ्योरी। 66 का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स बी इज द राइट ऑप्शन 66 का सेट पॉइंट थ्योरी। 67 व्हेन पीपल ईट द फूड्स टिपिकल ऑफ देयर फैमिलीज आर जियोग्राफिकल रीजन देयर चॉइसिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट ट्रेडिशन ट्रेडिशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ट्रेडिशन बीसीक्यू के वाले। 67 68 डायबिटीज विच लेस कॉमन इज टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है जी स्टूडेंट्स ये क्या है लेस कॉमन है। 68 हाँ जी 69 लिक्विड डाइट दैट कंटेन कंप्लीट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन एंट्रल फार्मूलाज कंप्लीट फार्मूलाज स्टैंडर्ड फार्मूलाज प्रोटीन फार्मूलाज, तो ये क्या है जो स्टूडेंट्स इंटरनल फार्मूलाज द राइट ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन 69। अच्छा 70 द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर बेबी इन बॉर्न कोलोस्ट्रम कहते हैं उसको, ठीक है रिपीटेड है शायद ए। 71 क्या कह रहा है सॉरी पेशेंट शुड बी सिट अप आर एलिवेट द हेड वाइल स्लीपिंग इन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन बैक एब हार्ट बर्न इज द राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है 71 फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच डिजीज पेशेंट विल हैव एक्सीटोन स्मेल इन ब्रीथ डायबिटीज, ठीक है जी स्टूडेंट्स इज द राइट ऑप्शन। 73 वेन स्ट्रेटजी वुड नॉट हेल्प एन अंडरवेट पर्सन अगेन वेट, तो क्या एक्सरसाइज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर क्या 73 राइट ऑप्शन इज बी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 74 हेल्दी वेट फॉल बिटवीन पहली बता दी आपको 18.5 से लेकर के 24.9 बस ठीक है हाँ 18.5 से लेकर के 25.5 इज राइट ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन 74 75 विच रिस्क फॉर आयरन डिफिशेंसी इज मोर कॉमन, कौन सा रिस्क फैक्टर जो है ज़्यादा डिफिशेंसी के लिए मोर कॉमन है टीन एज मेनोपॉज इन्फेंट वुमेन इन दियर रिप्रोडक्टिव एज यंग चिल्ड्रन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स 75 का राइट ऑप्शन क्या है गाइस डी इज द राइट ऑप्शन
वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज, ये जो है आयरन डेफिशिएंसी के लिए, बिकॉज यू नो व्हाई, ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल. हैव यू गॉट इट योर स्टूडेंट्स? मेंस्ट्रुअल साइकिल इसने अच्छे से पढ़ा होगा ना फिजियोल में, तो उस वजह से, क्योंकि शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम सेल की, ठीक है, एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है, तो ऑब्वियसली ब्लड की भी जो शेडिंग होती है उसके साथ साथ. तो 76, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी इन एनर्जी आउट एनर्जी बैलेंस. एग्जैक्टली 76 का एडॉप्शन क्या है? एनर्जी बैलेंस. 77, द बिगेस्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज कॉज्ड क्रोनिक डोजेज इफेक्टिव एडवर्स इफेक्ट डिपेंडेंसी ऑन ड्रग. 77 का ऑप्शन क्या है? ई इज द डिपेंडेंसी ऑफ द ड्रग. ई इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ई इज द राइट ऑप्शन, डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग. ग्लूकोज इज इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल इन अ सेल बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज प्राइमरी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ जियोमेट्रिक जेनेटिक मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो 78 का राइट ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी. 79, इन क्लाइंट विथ रीनल फेल्यूअर विच असेसमेंट फाइंडिंग वे इंडिकेटिंग क्लेमिया, हाइपोकलेमिया, ठीक है, हाइपर नॉट हाइपोकलेमिया. हेड एक, सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 5 ml पर डेसीलीटर, इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन, डायरिया. 79 का राइट ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन, सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 5 ml³ पर डेसीलीटर. अच्छा 80 80 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80, आफ्टर गिविंग इंसुलिन व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दैट नीड टू बी मेड? टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया. तो राइट ऑप्शन शुड बी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास अप्लाइड न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज, जो 80 MCQs थे, गालबन हमने 27 मिनट्स में जो है वो कवर कर लिया अलहमदुल्ला. वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी में इनको अपलोड करने की नीड है ताकि आप लोगों तक ये पहुंच सके. इसमें मिड के एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स. उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह यहीं से आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, ठीक है. एट द लास्ट, नेवर फॉरगेट टू मिस सनावला लेक्चर्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, सॉरी नाइस तो नहीं होगा क्योंकि आप पेपर की तैयारी करेंगे, 4 4 5 5 बजे तक भी मैसेज आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है जी स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.